देश भर में धूमधाम से मनी दिवाली। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई और शुभकामनाएं दी। रोशनी से जगमगा उठे शहर। कई धार्मिक स्थलों और इमारतों को शानदार तरीकों से सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का आज केदारनाथ दौरा। बाबा केदारधाम में करेंगे पूजा अर्चना। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:35 पर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 8 बजे मंदिर में पूजा करेंगे। सुबह 9:40 पर प्रतिमा का अनावरण होगा। कई योजनाओं का भी ऐलान करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने की योजना। पीएम मोदी के संबोधन को 87 मंदिरों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देश के कई इलाकों में पहुंचे लोग कर रहे हैं पीएम मोदी का इंतजार। दीपावली के मौके पर बाबा केदारनाथ के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर पूजा की। सेना की मराठा रेजिमेंट ने ढोल नगाड़े और बीन के साथ बाबा केदारनाथ को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। जवानों का हौसला बढ़ाया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। कहा, नौशेरा के जवानों ने दुश्मनों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। हर साजिश को नाकाम किया। सर्जिकल स्ट्राइक में नौशेरा ब्रिगेड की अहम भूमिका थी। पीएम मोदी बोले, सेना में आना नौकरी नहीं साधना है। आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आपकी वजह से देश चैन से सो पाता है। सेना के जवानों के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जब देश में ही रक्षा उपकरण का उत्पादन हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर से भारत और मजबूत होगा। दिवाली पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सीमा पर भारत पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। पुलवामा हमले और कोरोना की वजह से यह परंपरा 2019 से बंद थी। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हुई। पटाखों को लेकर सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद लोगों ने देर रात जमकर आतिशबाजी की, जिससे धुंध की मोटी परत बिछी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर के पार पहुंचा। आंख और सीने में जलन की लोगों ने शिकायत की। नोएडा में शाम से ही AQI 700 के पार। दिल्ली से सटी हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हुआ है। गलियों में कम और घरों की छतों पर लोगों ने ज्यादा पटाखे जलाए। दिवाली के दूसरे दिन आज देश में गोवर्धन और अन्नकूट का मनाया जा रहा है त्योहार। इस मौके पर घर पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अन्नकूट के मौके पर सुबह 12:45 विधि विधान, पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद होंगे कपाट। दीपावली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दीयों और खूबसूरत लाइटों की सजावट से जगमगाया स्वर्ण मंदिर। मुंबई में दिवाली पर खूबसूरत रोशनी से सजा शिवाजी टर्मिनस स्टेशन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करीब 2 सामाजिक संगठनों ने ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई। कानपुर से आई हैं तस्वीरें। बुजुर्गों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी गई, उपहार भी दिए गए। दिवाली के मौके पर टू व्हीलर और कारों की पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा हुई बिक्री। शोरूम मालिकों के चेहरे खिले। सीएनजी वाहनों की ज्यादा डिमांड बताई। पंजाब के अमृतसर में दिवाली पर लगने वाला पशु मेला शुरू। देश के अलग अलग राज्यों से पशु व्यापारी गाय, भैंस और घोड़े खरीदने पहुंचने लगे। यूपी के झांसी में दिवाली की रात पटाखा बाजार में आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक। आग पर वक्त रहते काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली पूजा की। स्टेडियम में अयोध्या के श्रीराम मंदिर का मॉडल बनाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जिले गोरखपुर में मनाई दिवाली। विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्कूली बच्चों से भी मिले उपहार दिए। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में क्रूज पर बैठकर देखी दिवाली पर हुई विशेष गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए। यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज के अनाथ और गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। करीब 225 बच्चों को मॉल ले जाकर कपड़े, जूते, खिलौने और मिठाइयां दिलवाई। पश्चिम बंगाल में दिवाली पर काली पूजा की धूम देखी गई। सीएम ममता बनर्जी ने भी अपने घर पर काली पूजा की, लोगों को शुभकामनाएं। और आइए कुछ और खबरों पर आपको अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र के बाद डीजल पेट्रोल पर राज्यों का राहत का ऐलान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की अतिरिक्त छूट दी।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4-4 फीसदी वैट घटाया। पेट्रोल 11 रुपए 97 पैसे और डीजल 16 रुपए 95 पैसे सस्ता हुआ। ओडिशा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए घटाए। केंद्र के ऐलान के बाद कई राज्यों ने भी घटाए डीजल पेट्रोल के दाम। पश्चिम बंगाल और केरल पर कीमत में कटौती का दबाव बढ़ा। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी में कटौती, कई राज्यों ने भी वैट घटाए। बीजेपी बोली सरकार ने राहत दी। प्रियंका गांधी ने कहा ये दिल से नहीं बल्कि डर से लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोहा होते हुए लंदन की यात्रा पर रवाना हुए। राहुल के दौरे के कारण अभी पता नहीं। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन। 75 साल के सुब्रत मुखर्जी लंबे समय से बीमार थे। जमानत की शर्त के मुताबिक आर्यन खान को आज एनसीबी दफ्तर में लगानी होगी हाजिरी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच होना होगा पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को समन भेजा, आज पूछताछ के लिए भी बुलाया। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मेडिकल जांच कराई। वसूली के आरोप में गिरफ्तार देशमुख कल तक ईडी के रिमांड पर है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी। एक दिन में कोरोना के 12,885 नए केस आए सामने, 461 मौत। शराबबंदी वाले बिहार में दिवाली पर जहरीली शराब का कहर। गोपालगंज में 17 लोगों की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। छापे में 2 घरों से देसी शराब बरामद। पश्चिम चंपारण में संदिग्ध हालत में मिले 1 साथ 8 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, पूछा क्या इन मौतों के जिम्मेदार शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार नहीं है। यूपी के महोबा में दबंगों का कहर। दिन दहाड़े प्रथा के सामने 5 साल के मासूम की हत्या की, 2.5 साल की बच्ची को भी घायल किया। इटावा में दुष्कर्म का आरोपी महोबा का थानेदार महेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी, नव विवाहित औरत ने मदद के नाम पर बलात्कार का आरोप लगाया। भरतपुर में 14 साल की लड़की से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को 2 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाता नजर आया आरोपी। जज कुकर्म मामले में एसीबी के डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा कर रहे हैं मामले की जांच। गुजरात के वापी में पेपर मिल में लगी भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। शांतिनगर, उर्वशी थिएटर और लालबाग में जलजमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में बेमौसम बरसात से बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।